त्यानंतर भारत भोईर यांना विनंती आहे की पुढील गिफ्ट हॅम्पर आपण द्यायचं आहे. राहुल पाटील वडपे यांनी आम्हाला स्वीट बॉक्स स्पॉन्सर केलेला आहे. त्यानंतर स्वीट बॉक्स केक विजय बजागे नक्कीच अमनीवडेचे जावई आहेत, त्यांच्या शुभ हस्ते हा केक द्यायचा आहे. मॅच के बाद क्यूज एस एस ब्रेकर यांच्या मार्फत आम्हाला स्पॉन्सर केलेला आहे. महेश केन यांनी आम्हाला स्पॉन्सर केलेला केक. त्यानंतर गुरुनाथ जाधव साहेबांना विनंती आहे की आपल्या शुभ हस्ते ती मॅनेजरची सुंदर ट्रॉफी गोरखनाथ याला द्यायची आहे. अँड वेल डन वेल बॅट गोरखनाथ, बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट मॅच. नक्कीच तब्बल एका मॅन ऑफ द मॅच साठी तब्बल 6 मॅन ऑफ द मॅच, क्या बात आहे. तर नक्कीच पुढील धावतो समोरचे पण ऐकूया. मिस कॉमेंट्री असेल उमेश चोरगे विथ धमाल कॉमेंटेटर सुभाष धुमाल सर. धन्यवाद विजय. आइए दोस्तों मैच की ओर बढ़ते. क्या स्वीप खेला था वहां पर ऋषिकेश ने, सीधा गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया था 6 रनों के लिए. पहले ओवर का मुकाबला जारी है और क्या शुरुआत बल्लेबाज ऋषिकेश की ओर से. ऋषिकेश और दत्ता ये बहुत ही मशहूर जोड़ी मानी जाती है सापे की ओर से, ओपन करने आए इस मैच में. अमोल जो कि गेंदबाजी का भार संभालते हुए, साहिल अगली गेंद उसे खेल दिया है इनफील्ड के ऊपर से, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जाती हुई गेंद, दो फील्डर गेंद के पीछे भागते हुए, रोका वहां पर जैसे तैसे, मगर दो रन नहीं रोक पाएंगे. इन दो रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 9 रनों पर. अच्छी बल्लेबाजी कहनी होगी और अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में दोनों भी बल्लेबाजों की ओर से देखने को मिल रही है. अगदी बरोबर, अतिशय उत्कृष्ट तालमेल आणि चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट दोन्ही फलंदाजांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. ऋषिकेश सोनू के नाम से भी जाने जाते हैं और इसी बीच फुल लाइन डिलीवरी, उसका पूरा फायदा उठाया, गेंद सीमा रेखा के बाहर, जगह खेलने का मौका नहीं दिया 4 रनों के लिए. साहिल की अगेन फुल टॉस गेंद, ओहो फायदा नहीं उठा पाए, जरूर निराश होंगे वहां पर बल्लेबाज ऋषिकेश. अगर बरोबर करें ना, फुल टच चेंडू होता, फायदा उचलते नहीं चेंडू, निराश अपन पाते फलंदाजाला. बिल्कुल, जब जब फुल लेन डिलीवरी होती है ज्यादातर गेंदें सीमा रेखा के बाहर देखने को मिलती है, मगर खुश नसीब वहां पर गेंदबाज. इसी बीच गेंद को खेल दिया एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए. एक ओवर की समाप्ति और क्या बल्लेबाजी हुई है, पावर प्ले में पूरा फायदा उठाया वहां पर बल्लेबाज ऋषिकेश ने. स्कोर हुआ इस वक्त 17 रन, 17 धावा आपण पाहतोय. लगेच क्षेत्ररक्षण सजवायचं आहे आणि पुढे तुम्हाला खतरा पेश करताना आपण पाहतोय, कारण कुठला फलंदाज बाद झालेला आहे आणि जी सुरुवात खरे तर संघाला हवी होती ती सुरुवात दोन्ही सलामीच्या बॅटरने करून दिलेली आहे. दूसरे ओवर के लिए मोर्चे पे इस वक्त गेंदबाज तुषार को लगाया गया है. काफी महंगा साबित हुआ था पहली ओवर करने आए थे साहिल. देखना है तुषार अपनी टीम के लिए क्या कुछ कर पाते हैं. धुमाल सर, यह मैच नंतर लकड़ियों काटना चाहिए. पटकी हुई गेंद थी, उसे हवा में खेल दिया है, देखना है फील्डर मौजूद है, कोई गलती नहीं, पहला झटका लगता हुआ एसके स्पोर्ट्स सापे को.
हमारे टीवी स्क्रीन के ऊपर हम देख सकते हैं दोस्तों डांस करते हुए, ये देखिए। ओहो एक बड़ा झटका दत्ता के रूप में एसके स्पोर्ट्स सापे को लगता हुआ, पहला झटका कह सकते हैं। नए बल्लेबाज गौरव मैदान पर उतरते हुए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए हैं गौरव, देखना है क्या कुछ कर पाते हैं अपने टीम के लिए। मैच तीन ओवर का ये मुकाबला हम देख रहे हैं धुमाल सर, और तीन ओवर के मुकाबले में हम देख रहे हैं पहली ओवर काफी महंगी साबित हुई थी और दूसरे ओवर का खेल जारी है। अगदी बरोबर, मात्र या षटका मध्ये गोलंदाजाने कमबॅक केले, वापसी केली आहे आपण पाहतोय। इसी बीच गेंद को खेल दिया है मिड विकेट की दिशा पर, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो वहां पर, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। ऋषिकेश स्ट्राइक वाली छोर पर, ऋषिकेश जिन्होंने पहले ओवर का पूरा सामना किया था और समाचार लिया था गेंदबाज साहिल का, अब स्ट्राइक वाली छोर पर है ऋषिकेश और चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा गेंदों का सामना करें। तीन ओवर का ये मुकाबला है। एक बार फिर से तुषार अपने बॉलिंग मार्क से मुड़ते हुए राइटम ओवर द विकेट से। ओहो क्या गेंद और क्या हिट लगा है, गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, छह रनों के लिए। मांगता हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता, तो कौन मांगता? ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए। इस मैच में दिखाता हुआ ऋषिकेश, अगली गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था, सही तरीके से बल्ले पर नहीं ले पाया था बल्लेबाज इस गेंद को। नतीजा सिर्फ एक रन, और इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 25 रनों पर, जबकि दूसरे ओवर का खेल अभी भी जारी है। संगीत धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते की धावसंख्या 25 सिल्वर जुबली आणि दुसरे षटक मार्गस्थ आहे, मोठ्या लक्ष्याकडे एगोगोस करताना आपण पाहतोय फलंदाजी करताना संघ। बिलकुल बल्ल्यानी कल्याण तालुका से बिलॉंग करते हैं, और इसी बीच बहुत ही बढ़िया गेंद थी, अपील जरूर किया था वहां पर सभी खिलाड़ियों ने, गेंदबाज ने, विकेट कीपर ने, लेकिन कहीं ना कहीं लेग स्टंप के बाहर वो पीस हुआ था। अच्छी वापसी कहनी होंगी गेंदबाज तुषार की, एक सिक्सर लगने के बाद दो सिंगल लिए हैं। इसी बीच ऋषिकेश स्ट्राइक वाली छोर पर, एक बार फिर से गेंद को हवा में खेला है लेकिन खतरा हो सकता है, और बहुत ही बढ़िया कैच। हमने पाड्याच मैदान सारे क्रिकेटपटूंची जान, हमने पाड्याच मैदान सारे क्रिकेटपटूंची जान, आयोजक गणेश पाटील सामान, आयोजक शैलेश जाधव सामान, तिथे होतो खेळाडूचा सन्मान, आयोजक गणेश पाटील सामान, तिथे होतो खेळाडूचा सन्मान, धन्यवाद डीजे। दूसरा झटका ऋषिकेश, बड़ा झटका कह सकते हैं एसके स्पोर्ट्स सापे के लिए। मात्र धावसंख्या अजून चांगली धावसंख्या पाहायला मिळते, जी सुरुवात हवी होती नक्कीच, सुरुवात दोन्ही सलामीच्या फलंदाजांनी करून दिली होती, मजबूत स्थितीमध्ये सध्या आपण पाहतोय सापे संघ, इथे मात्र विकेटचं पतन नाही झालेलं आहे। बिलकुल दो ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर स्कोर हुआ है 26 रन, म्हणजे 13 सरासरीने प्रति षटकामध्ये धाव जोडले आहेत सापे या संघाने, 13 सरासरी आपल्याला पाहायला मिळते। तारीफ करना चाहूंगा धुमाल सर गेंदबाज तुषार की, क्योंकि एक सिक्सर लगने के बावजूद अच्छी गेंदबाजी हुई, दो बड़े झटके देने में सफल वहां पर गेंदबाज तुषार। नए बल्लेबाज आए हैं आकाश, और गेंदबाजी का जिम्मा इस वक्त रोशन के ऊपर।
पहली गेंद, ओहो बहुत ही बढ़िया गेंद, लंबा हिट लगाना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, मगर बल्ले पर नहीं ले पाए उस गेंद को, नतीजा डॉट गेंद। और इस डॉट गेंद के साथ अपनी ओवर की शुरुआत करते हुए गेंदबाज रोशन। इसी बीच अगली गेंद खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर की दिशा पर, फील्डर वहां पर मौजूद है, एक रन पूरा और एक ही रन पर संतुष्ट दोनों भी बल्लेबाज। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 27 रनों पर। तीसरी और आखिरी ओवर चलती हुई, मतलब तीसरे षटका मध्ये चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते, आतापर्यंत मोठा फटका खेळू दिलेला नाही। इसी बीच मिडविकेट की दिशा पर खेला है, मिस फील्ड और गेंद सीमा रेखा के बाहर, चार रनों के लिए। अच्छी शुरुआत की थी गेंदबाज ने, मगर फील्डर का साथ नहीं मिलता हुआ, एक के जगह पर चार रन दे बैठे वहां पर फील्डर। और ऐसी फील्डिंग के बाद कहीं ना कहीं धूमाल सर गेंदबाज का जो मनोबल है वो टूट जाता है। अच्छी शुरुआत की थी, पहली दो गेंदों में सिर्फ एक रन खर्च किया था और तीसरी गेंद पर भी एक ही रन मिलता था, मगर मिस फील्ड के कारण वो गेंद सीमा रेखा के बाहर गई और चार रन खर्च हुए वहां पर। अगदी बरोबर, गोलंदाजाला क्षेत्ररक्षक जे साथ मिळणं खूप महत्त्वाचं आहे, इथे मात्र स्लॉफी वर्क अगदी सुमारदाचं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं होतं। इसी बीच गेंद को तान दिया है, गेंद को भेज दिया है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कोबरा का नृत्य, काफी बढ़िया डांस करते हुए कोबरा, और बढ़िया बल्लेबाजी इस वक्त हो रही है बल्लेबाज आकाश की ओर से। एक चौके के बाद लंबा सिक्सर, दो गेंदों का सामना किया और 10 रन बनाए आकाश। एक बार फिर से बड़ा हिट लगाना चाहते थे, मगर गेंद लेग स्टंप छोड़कर जाती हुई, अंपायर उमेश केनेसर का इशारा, वाइड गेंद। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे पहुंचा है 38 रनों पर। अच्छी स्थिति में कह सकते हैं इस वक्त एसके स्पोर्ट्स आपे। इसी बीच फुल लाइन डिलीवरी, देखना है गेंद वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। मुझे पहचानो कहां पे, धूमल सर मैंने कहा था कि पहली दो गेंदें अच्छी हुई थी और तीसरे गेंद पर जो मिस फील्ड हुई है ना, उसके बाद हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं गेंदबाज का जो मनोबल है पूरी तरीके से टूट गया और उसका पूरा फायदा बल्लेबाज ने उठाया। अगदी बरोबर, मनोधैर्य खचलेलं आहे आपण पाहतोय गोलंदाजाचं, जे मिस फील्ड झालं होतं आणि तिथून मात्र त्याचा फलंदाजाने पुरेपूर फायदा उचललेला आहे। बिलकुल खराब गेंदबाजी कह सकते रोशन द्वारा, लगातार ओवर पेज और फुल लेन डिलीवरी कर रहे हैं, तारीफ करनी होगी बल्लेबाज आकाश की जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं आकाश शास्त्री। इसी बीच पटकी हुई गेंद, देखना है गेंद हवा में, अच्छी फील्डिंग, मौका बनाया वहां पर, मगर अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में, एक रन पूरा किया और इस एक रन के साथ कुल मिलाकर स्कोर हुआ है 43 रन। 44 रनों की बड़ी चुनौती रखी गई है बल्लेनी के सामने।
वळूया आपण सन्मानाकडे. स्वागत सत्कार सन्मान आमच्या मुख्य व्यासपीठावर केले जातील. आपल्यामध्ये अमलेपाड्याचे सुनील पाटील साहेब उपस्थित आहेत. समाजसेवक अमलेपाडा आणि त्यांचा हितोचित सन्मान येथे केला जाईल. फलंदाजी मैदानामध्ये पाठवायचे आहेत फलंदाजी करणारे संघाने. साथ ही साथ हमारे परिसर के सबसे अच्छे गुणलेखक जिनको कहा जाता है दिनेश पाटिल का भी आगमन हुआ है. उनका भी सरपंच उप सरपंच शक आमने पाड़ा में हार्दिक हार्दिक स्वागत. अनिल पाटिल साहब विनंती असेल की आपण नक्कीच इकडे या. आपण पाहू शकतो हेतूचित सन्मान इथे केला जातोय. त्यानंतर अनिल पाटील साहेबांचा हेतूचित सन्मान इथे केला जाईल. जे आमचे स्पॉन्सर आहेत आणि त्यांचा हेतूचित सन्मान इथे मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला स्पॉन्सर केले गेलेले आणि त्यांचाही इथे सन्मान केला जातोय. त्यानंतर आपल्यामध्ये दीपक पाटील साहेब हे समाजसेवक उपस्थित आहेत आणि त्यांचा हेतूचित सन्मान इथे केला जाईल. अमलेपाड्याचे समाजसेवक दीपक पाटील साहेबांचाही हेतूचित सन्मान आमच्या आयोजन कमिटीकडून केला जाईल. या स्पर्धेचे आयोजक एवन नक्कीच पर्सनॅलिटी गणेश पाटील साहेबांच्या सोबत असते हा सन्मान इथे केला जातोय. हे आपण पाहू शकता. आपल्यामध्ये अनंत गोडे साहेब उपस्थित आहेत आणि त्यांचा हेतूचित सन्मान इथे केला जाईल. अनंत गोडे साहेबांचा हेतूचित सन्मान इथे केला जातोय. हे आपण पाहू शकता. दरम्यान गैरीनाथ पाटील साहेबांचे ते आगमन झालेले आहे. त्यांचं या स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत आहे. आइए दोस्तों मैच की ओर बढ़ते हैं. कपिल के हाथों में गेंद. पहली गेंद ओहो बहुत ही बढ़िया गेंद पड़ने के बाद नीची रही थी. नतीजा समझ नहीं पाए. डॉट गेंद के साथ शुरुआत हुई है. विजय सालों से देख रहे हैं इसके सापेक्ष की ओर से पहली और पावर प्ले की ओर जो है कपिल के हाथों में ही और कपिल पर ही विश्वास जताया जाता है और देखते आ रहे हैं कपिल अपने वो कप्तान के विश्वास पर हमेशा खड़े उतरते. इस मैच में देखना है क्या कुछ होता है. बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है कपिल. पावर प्ले का ओर हमेशा फेंकते हैं अपनी टीम के लिए और कम से कम रन खर्च करते हैं ये गेंदबाज. बहुत ही मशहूर गेंदबाज है. 44 रनों की बड़ी चुनौती रखी गई है. बड़े हिट की तरफ देखना होगा अगर इस मैच में बने रहना है बल्लेबाजों को. सूरज इस मरतबा बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक. गेंद बिल्कुल सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए. क्या स्ट्रोक खेला है वहां पर सूरज ने. बिल्कुल देखा पड़का और बल्ले के बीचों बीच लिया भेज दिया एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर. सीमा 6 रनों के लिए. रन से खाता खुलता हुआ इस समय बल्लेनी का. बिल्कुल इसी प्रकार से ही अपने बाजुओं को खोलना होगा बल्लेबाजों को अगर इस मैच में बने रहना है बल्लेनी को. और अच्छी शुरुआत करनी होगी बल्लेबाज सूरज द्वारा. इसी बीच कपिल मुड़ते हुए फुल लेन डिलीवरी. ओहो क्या स्ट्रोक खेल रहे हैं. गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए. बैक टू बैक दूसरा सिक्सर. बिल्कुल घुटना टेक और सिक्सर देख. हमने पाड्याचं मैदान साऱ्या क्रिकेटपटूंची जान. आयोजक गणेश पाटील सामान आयोजक शैलेश जाधव सामान तिथे होतो खेळाडूचा सन्मान. थँक्यू थँक्यू डीजे. मैं पहली बार देख रहा हूँ कपिल की इतनी अच्छी से खबर ली जा रही. बिल्कुल और उसका कारण है बल्लेबाज सूरज. जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है सूरज द्वारा बिल्कुल देखा. लेग स्टंप छोड़कर गेंद जा रही है. शफल किया अपने आप को और गेंद को बल्ले पर लिया और गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए. अच्छा समाचार लेते हुए कपिल का. और अब अपना छोर बदलते हुए कपिल राइट आर्म राउंड द विकेट से मारा करेंगे बल्लेबाज सूरज के लिए. सूरज इस वक्त हैट्रिक पर. राइट आर्म राउंड विकेट से इस बार हाफ ओली लॉब किया ऑन द राइट क्यू दे लॉन्ग वन और ग्लोरियस सिक्स.
बिल्कुल संकेत पाटिल की ओर से सिक्सर के हैट्रिक के लिए बिल्कुल ट्रॉफी है और वो ट्रॉफी प्राप्त करते हुए बल्लेबाज सूरज भगत। क्या बल्लेबाजी हो रही है विजय, लगातार तीन गेंदों में तीन सिक्सर और इसी के लिए जाने भी जाते हैं सूरज, बहुत ही मशहूर पॉपुलर क्रिकेटर है बल्यानी के। बिल्कुल ये टीम ज्यादातर कल्याण विभाग में खेलती है, बहुत ही कम हमारे परिसर में खेलती है, लेकिन जब जब खेलती है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन। बिल्कुल कपिल अब बहुत ही महंगे साबित होते हुए चक्कों के हैट्रिक पूरी कर चुके हैं बल्लेबाज सूरज भगत और उनके लिए ट्रॉफी है सिक्सर हैट्रिक के लिए संकेत पाटिल की ओर से। बड़ी चुनौती जरूर थी विजय, लेकिन अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानियां जरूर देखने को मिल रही है सूरज के रूप में। हालांकि चुनौती बड़ी थी लेकिन उसको आसान कर दिए बल्लेबाज सूरज। एक बार फिर से कपिल की है गेंद, ओहो एक बार फिर से गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे मगर कोई मौका नहीं, सीधा कमेंट्री बॉक्स में छह रनों के लिए। कमेंट्री बॉक्स में सलामी देता हुआ चार गेंदों पर चार सिक्सर फोर इन अ रोल, क्या बल्लेबाजी हो रही है, गजब की बल्लेबाजी। चौवालीस की चुनौती है और 24 बन चुके इस बार स्लोर वन, अब मिस टाइम कर बैठे खिलाड़ी गेंद के नीचे दत्ता, कोई गलती नहीं, विकेट नंबर पहला गिरता हुआ सूरज भगत बैक टू द पवेलियन। तो अपने काम को अच्छी तरह से अंजाम देते हुए लौट चुके सूरज भगत, क्या कहेंगे रोशन, चार गेंदों पर चार सिक्सर जड़े। बिल्कुल अपना काम पूरा कर पवेलियन लौट रहे, खुश होंगे बल्लेबाज और खुश होगा पूरा काफिला, क्योंकि चार गेंदों में चार सिक्सर लगाकर पहली ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन बने हैं, अभी भी जीतने के लिए 12 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता है। तो मेरे हिसाब से कपिल पहली बार इतने महंगे साबित हुए मेरे करियर में, कमेंट्री करियर में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कपिल को 24 रन लिए गए। अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आते हुए अमर आते हुए वन डाउन के लिए, लेकिन सूरज भगत अभी भी मौजूद है जो कि खतरों के खिलाड़ी, रोशन भगत अभी भी मौजूद है क्रीज पर जो कि खतरों के खिलाड़ी माने जाते हैं बल्यानी के। बिल्कुल सूरज और रोशन ओपन करने आए थे, सूरज ने अपने अपना काम करके पवेलियन लौट चुके हैं, रोशन अभी भी डटे हुए हैं जो कि स्ट्राइक वाली छोर पर है। दूसरे ओवर के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार होते हुए गेंदबाज गौरव को अब इस ओवर में गौरव भरी गेंदबाजी करनी होगी अगर इस मैच में इसके सापे को बनाए रखना है। बिल्कुल 12 गेंदे और 20 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने को बल्यानी को। अब एक उभरते हुए खिलाड़ी के हाथों में गेंद थमाई कप्तान ने गौरव आते हुए दूसरे ओवर के लिए। बिल्कुल इस ये ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस मैच के लिहाज से, दो ओवर और जीतने के लिए 20 रनों की आवश्यकता। रोशन जो कि ओपन करने आए थे और अब स्ट्राइक वाली छोर पर अभी तक एक भी गेंद का सामने नहीं उतार लेफ्ट है लेफ्ट आर्म बॉलर गौरव अपनी पहली गेंद लेकर लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से, ओहो बहुत ही बढ़िया गेंद, बिल्कुल पढ़ने के बाद बिल्कुल घूमती हुई गेंद सीधी विकेट कीपर के दास्तानों में डॉट बॉल। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से एक बार फिर से गौरव, इसी बीच लेग साइड की दिशा पर खेल दिया है कारपेट के सहारे, एक रन पूरा, अच्छी फील्डिंग अच्छा थ्रो कह सकते हैं, सिर्फ एक ही रन पर संतुष्ट दोनों भी बल्ले। बिल्कुल जैसे देखा ओवरपीस गेंद थी, अपने बाजुओं को खोला वहां पर बल्लेबाज ने और भेज दिया लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर छह रनों के लिए। इन छह रनों के साथ स्कोर अब जा पहुंचा है 32 रनों पर, अभी भी जीतने के लिए 12 रनों की आवश्यकता है बची हुई गेंदों पर।
देखना है क्या कुछ होता है। चुके मिडल ऑर्डर पर काफी जिम्मेदारी है, 6 गेंदों में 10 रन बनाने हैं। बिल्कुल टीम मीटिंग वहां पर बुलाई थी कप्तान ने, देखना है आखिरी ओवर और किसको मोर्चे पे लगाया जा रहा है। हालांकि ऑप्शन में काफी सारी गेंदबाज है, खुद सोनू भी गेंदबाज अच्छे, उसके बाद में जीवन है, दीपेश है, कई सारे विकल्प मौजूद है, दत्ता भी अच्छी गेंदबाजी कर लेते, तो देखना अब किस पे जिम्मेदारी सौंपी जाती है। जिम्मेदारी इस वक्त युवा गेंदबाज जीवन को लगाया जा रहा है। जिस तरीके से मुकाबला आगे बढ़ता जा रहा है विजय, लगता है कि आखिरी गेंद तक जाएगा। बिल्कुल इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है, 6 गेंदों में 10 रन बनाने हैं, यहाँ पे सिंगल डबल से भी मुकाबला जीता जा सकता है, तो देखना है बल्लेबाज अपना कौन सा रूप अपनाते हैं। तो जीवन तैयार होते हैं पहली गेंद, इस बार अच्छा शॉट, ग्राउंडेड शॉट के लिए गेंजर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, ओ फंबलिंग, रोशन ये गेंद छोड़िए मैच छोड़िए, बहुत ही बड़ी गलती कह सकते हैं इसको। हालांकि मुश्किल था मगर नामुमकिन नहीं था वहां पर विजय, गेंद को रोका जा सकता था, 2 रन बचाए जा सकते थे वहां पर, लेकिन ये बहुत ही बड़ी गलती कह सकते हैं, पहली गेंद पर चौका लगाया। क्या बात है, खराब फील्डिंग का नमूना यहाँ पर पेश करते हुए, तो इन चौके के मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन, 38 लॉस ऑफ 2 विकेट, जीवन तैयार होते हुए लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से। अब 5 गेंदे और जीतने के लिए 6 रनों की आवश्यकता। अगली गेंद बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक लगा दिया है, लॉन्ग ऑफ की दिशा पर अच्छी फील्डिंग और बहुत ही अच्छा थ्रो, सिर्फ 1 रन पर रोकना होगा वहां पर बल्लेबाजों को। 4 गेंदे और जीतने के लिए 5 रनों की आवश्यकता। देवरुंग के कप्तान और किरौली के कप्तान और बाकी 2 टीमों के कप्तान हमारे टॉस बॉक्स में है, 12वें खिलाड़ी मौजूद है यहाँ पर बाकी 2 टीमों के, तो ओम 11 किरौली के कप्तान और सौरांश 11 देवरुंग के कप्तान आना है। जीवन अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से गति में परिवर्तन किया था वहां पर, खतरा हो सकता है मगर 1 रन नहीं रोक सकते, 1 रन पूरा किया और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 40। अब 3 गेंदे और जीतने के लिए 4 रनों की आवश्यकता। विजय 3 गेंदों में अगर 10-15 रन भी होना तो बल्लेबाजों के लिए थोड़ा आसान लगता है, लेकिन 3 गेंदे और 4 रन हो तो काफी मुश्किल लगता है। बिल्कुल सही बात जिक्र की है आपने, क्योंकि 3 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 4, बल्लेबाज बिल्कुल डबल माइंड रहते, बड़ा शॉट के लिए सिंगल डबल ले। बिल्कुल और वही परिस्थितियां अब बची हुई 3 गेंदों में, अब देखना है क्या कुछ होता है, फील्डिंग में परिवर्तन किया जा रहा है। तारीफ करनी होगी गेंदबाज जीवन की, जिस तरीके से पिछली गेंद पर गति में परिवर्तन किया था जीवन ने, सोचा भी नहीं था बल्लेबाज ने। इसी बीच जीवन की एक बार फिर से हवा में गेंद है मगर फील्डर मौजूद नहीं है, बहुत दूर से दत्ता जा पहुंचे है, अच्छी फील्डिंग, 1 रन पूरा, दूसरे का प्रयास और बल्लेबाज आउट। ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है विजय इस मैच में। बिल्कुल क्या जरूरत थी दूसरे रन की यहाँ पर रोशन, क्योंकि अगर अब नया बल्लेबाज जो आएगा तो वो फ्रेश रहेगा विकेट के ऊपर, अमर, तो अमर रनआउट के रूप में वापस पवेलियन लौटते हुए। अब बची हुई 2 गेंदे और जीतने के रन चाहिए 3। बिल्कुल ड्रेसिंग और चेसिंग कंपलसरी है इस टूर्नामेंट में, तो इस मैच को जीतना है तो 2 गेंदों में 3 रन कंपलसरी बनाने ही है बल्लेबाजी टीम को। टीम मीटिंग वहां पर एसके सापे के कप्तान ने बुलाई है, हौसला बढ़ाते हुए गेंदबाज का जीवन, जिन्होंने क्या गेंदबाजी की है आखिरी ओवर में, अभी भी मैच खत्म नहीं हुई है, आखिरी 2 गेंदे और जीतने के लिए 3 रनों की आवश्यकता। नए बल्लेबाज
रुपेश स्ट्राइक वाली छोर पर। मुकाबला अभी भी 50-50 में चल रहा है रोशन। बिल्कुल ये गेंद काफी इम्पोर्टेंट हो सकती है। बिल्कुल काफी निर्णायक गेंद कहूंगा मैं तो। रुपेश और तीन रन। रुपेश स्ट्राइक वाली छोर पर। तर नक्कीच चिट्ट्या उचलले, पहिल्या दोन चिट्ट्या, शेवटची राहील ती बाई साठी आहे। शेवटची चिट्टी बाई असेल। एस के सापे या संघाला मात्र शेवटच्या सामन्यामध्ये प्राधान्य मिळालं। तर नक्कीच मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार आम्ही देणार आहोत। साईडला व्हायचंय नक्कीच। सोनू इथे आलेला आहे। दरम्यान दोन्ही कर्णधारांनी टॉस बॉक्स मध्ये तयार आहे। जयहिंद देवरुंग आणि ओम विलियम किरवली सापे। तर सोनू आलेला आहे। तर मी गोरखनाथ काकडे यांना विनंती करतो की आपल्या शुभास ते थम्सअप द्यायचंय कोल्ड ड्रिंक्स सोनू याला। त्यानंतर रंगनाथ पाटील आपल्याला विनंती आहे गिफ्ट टेम्पर द्यायचंय। राहुल पाटील वडपे यांनी आम्हाला जे स्पॉन्सर केलेलं आहे। त्यानंतर दीपक पाटील आपल्याला विनंती आहे कॅप परिधान करायचे सोनू याला, जे आम्हाला स्पॉन्सर केले आहे रवींद्र जाधव सरांनी। त्यानंतर गिफ्ट टेम्पर आहे जे आम्हाला स्पॉन्सर केले सुखदेव वर्षी यांनी सुनील पाटील यांच्या शुभास्थित जाऊ। त्यानंतर मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी रघुनाथ खेणे यांना विनंती आहे। मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी सोनू याला प्रदान करायची आहे। सखाराम जाधव यांना विनंती आहे की आपल्या शुभास्ते केक द्यायचंय। एस एस ब्रेकर ओनर महेश केने यांच्या मार्फत आम्हाला स्पॉन्सर केलेले। तर वेल्डन वेलबॅट सोनू यांनी बेस्ट ऑफ क्लोर द नेक्स्ट मॅच। तर चला दोन्ही कर्णधार आलेले आहेत, फक्त टॉस करून घ्यायचंय कारण आपल्याकडे वेळ खूपच कमी आहे। सामना प्रत्येकी 3 षटकांचा असेल। दोन्ही कर्णधार आलेले आहेत। तर मी दीपक पाटील यांना विनंती करतो आपल्या शुभास्ते आम्ही नाणेफेक करत आहोत। सामना फक्त 3 षटकांचा असेल आणि